वो जो अंग है जहां से उनकी भावनाएं जागृत होती हैं वहां पे पहुंच जाते हैं 6 7 8 साल की बच्ची को ले जाके, जिसे ये सब बातों की जानकारी नहीं। डॉक्टर ये चीजें करते नहीं ऑफिशियली, ऑफिशियली अलाउड नहीं, क्योंकि ये अफेक्ट करता है। तो फिर जो मिडवाइफ्स जी कहते हैं हम, दाइयां होती हैं हमारी, उनको, उनकी पुरानी दाइयां होती हैं, उन लोगों के पास ले आते हैं बच्ची को, कुछ भी कह के ले जाते हैं। सनातन सेतु जो एक सनातनी को दूसरे सनातनी से जोड़ता है। इस सनातन सेतु के निर्माण में जो कुछ भी खर्चा आएगा वो हम आपसे ही लेंगे, लेकिन डोनेशन के रूप में नहीं। आपको सनातन हाट पर जाना होगा, वहां से आप अपने वैदिक धर्म ग्रंथ खरीद सकते हैं, इतिहास की पुस्तकें, पी अनोख साहब की पुस्तकें खरीद सकते हैं, और यह मंदिर मॉडल भी वहां से खरीद सकते हैं। इसका दशांश जो बचेगा हम इसके निर्माण में लगाएंगे, और इस कार्य को बड़ी ही पवित्रता के साथ और भव्यता के साथ में हमने करना है। महिलाओं के विषय में एक बार मैं देख रहा था कि टीवी पे भी एक व्यक्ति बोल रहा था कि जैसे एक टॉफी होती है, तो टॉफी अगर आप खोल के रख देंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां आ जाएंगी, लेकिन उसी को अगर हम रैपर में रखेंगे तो उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठ सकती। तो मौलाना खुद कह रहा है कि क्योंकि जो मर्द है वो एक मक्खी की तरह है और वो इधर उधर ही नजर दौड़ाए रखते हैं कि कहाँ पे मीठा रखा हुआ है, कहाँ पे कोई चिपकने वाली चीज रखी हुई है, तो वो जी टॉफी से तुलना करते हैं। फिर एक ने कहा कि जैसे मोबाइल होता है तो मोबाइल पे भी कवर चढ़ाते हैं, तो मैंने कहा कि यार मोबाइल पे कवर चढ़ाते लेकिन स्क्रीन तो खुली रखते हैं ना, कम से कम जो उसका जहां जो स्क्रीन है वो तो रखते हैं ना खुली। आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई मतलब इंसान कोई भी लड़की होगी तो वो कपड़े तो पहन के ही रखेगी ना, क्या आप ऐसा तो नहीं करते कि भाई, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मुसलमान अधिकतर उल्टे ही काम करते हैं, मुसलमान आई थिंक ये जो कवर होता है ये कवर भी स्क्रीन पे यूं चढ़ाते होंगे और तब जाके उसको रखते होंगे और फिर कहते होंगे कि लो अब ये ठीक है, अब ये इसके अंदर से दिख रही है ना तो यहाँ ठीक है क्योंकि अब इसको कोई टच नहीं कर सकता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो जी उल्टी खोपड़ी है, उनका जो उल्टा दिमाग है, वो इस तरीके से ही जी काम करता है। आपसे जो मुझे चर्चा करनी थी वो ये थी कि आपका जो मोहभंग हुआ या जो भी इस्लाम से हुई है आपके भारतीय दर्शनों को पढ़ने के बाद में हुआ, और आपने कंपैरेटिव स्टडी भी इस विषय में की और आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज भी है, और ये पहली बार ऐसा है कि हमारे लाइव में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने इस्लाम को छोड़ा है और उसके बाद में जो दर्शन ग्रंथ है या फिर जो सत्यात प्रकाश है, गीता जी है, इनका भी अध्ययन स्वाध्याय किया है। मैं एक बार अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस लाइव को साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं, पर्सनली हम ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी चर्चाएं रहे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, कंपैरेटिव स्टडीज के बारे में आप लोगों को पता लग सके, जो लोग इस्लाम से जिनका मोहभंग हुआ है उन लोगों के विषय में भी जानकारियां मिल सके। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे मॉडरेटर हैं स्वीटी जी, उनको हम पैसे देते हैं या फिर हम उनको पे करते हैं, तो उसके विषय में मैं बता दूं कि स्वीटी जी जो हैं वो सभी एक्स मुस्लिम से कांटेक्ट करती हैं सत्य सनातन पर, वो किस प्रकार से आ सके, अपनी बात रख सके, यह सब का मैनेजमेंट वही करती हैं और इसी वजह से वो मॉडरेटर भी हैं। तो इसलिए आप इस तरीके की कृपया बातें यहाँ पर ना करें कि वो क्रिश्चियनिटी के पक्ष में, मैं काफी लंबे समय से इस चीज को झेल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना कमेंट्स होते हैं उस तरीके से ना करें। इन सभी चीजों को यहां तक लाने में उनकी एक महती भूमिका रहती है, और इस लाइव को शेयर कीजिए, शेयर करने से ही बहुत सारी चीजें पता पड़ती हैं। ऑलमोस्ट सो फ्री जी का जो यूट्यूब चैनल लिंक है वो मैं नीचे पिन कमेंट में भी दूंगा, जाकर के आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो हम आज चर्चाएं करेंगे उनके बाद में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप जानना चाहेंगे तो वहां डायरेक्ट आप उनके चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। आप जिस समुदाय से आते हैं वहां पर एक बहुत भारी भयंकर दर्दनाक प्रथा है, मैं थोड़ा सा उस विषय में भी जानना चाहता हूं कि जब महिलाओं की बात हुई ही है, महिलाओं के बारे में हमने बातें उठाई है, उस प्रथा के विषय में भी आप थोड़ा सा बताएं, क्या किसी मर्द का, किसी औरत का, इस्लामिक महिला का क्या दिल नहीं पसीजता है इन सब बातों को देख करके? बिल्कुल, बहुत बहुत ही गंभीर विषय है। आप जितना मैं समझ रहा हूँ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की आप बात कर रहे हैं, है ना, उसी की आप बात कर रहे हैं। यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और जी मैं अपने हिंदी भाषी दोस्तों को भी बता दूं कि
जिस प्रकार से छोटे बच्चे का खतना होता है, ठीक उसी प्रकार से छोटी बच्चियों का भी खतना किया जाता है। जी जी, और बहुत प्रकार के होते हैं ये। अगर अफ्रीका में आप देखें, अफ्रीकन कंट्रीज ने, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज ने भी इसे बैन कर दिया है। हमारे इंडिया में हमारा जी केस चला था कुछ वर्ष पहले, तो वो पूरा केस दब गया है, अभी भी उसको हटा नहीं रहे। पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आया है। वेस्टर्न कंट्रीज में कितने डॉक्टर्स पकड़ाए गए हैं, ये जो स्पेशली कम्युनिटी से आते हैं, जो प्राइवेटली ये करते थे। क्योंकि महिलाओं का, अगर आप वो जो मेल्स में ये हार्मफुल तो नहीं होता है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं बेनिफिशियल भी होता है, पर आप जब 7 महीने 7 दिन के बच्चे के साथ कर ले, पहले वीक के बच्चे के साथ, तो उसे इस प्रकार का ट्रॉमा होता है कि वो ट्रॉमा उसके माइंड को अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे कारण है, अगर कोई रीजन से आप वो करें तो बात समझ आती है। महिलाओं का जो ये जो जेनिटल म्यूटिलेशन करते हैं, वो लोग इसे सरकमसिशन कहते हैं, खतना कहते हैं, खप्स कहते हैं, बहुत सारी प्रकार के शब्द से इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो उनका सेंसिटिव सबसे अंग होता है, वहां पे पहुंच के, कहीं कहीं प्रथाओं में तो वहां टाके लगा देते हैं, कहीं पूरा उड़ा देते हैं। जो इंडिया में होता है उसमें, उस पर कट लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। इसका इसका प्रभाव महिला के पूरे जीवन पे पड़ जाता है। WHO की आप सिर्फ साइट पे जाके फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन लिखे, एक बार ये महिला के साथ हो गया तो वह पूरे जीवन भर के लिए एक विक्टिम बन जाती है। उसका मानसिक संतुलन भी बदल जाता है इसकी वजह से, क्योंकि उसकी भावनाएं बदल जाती हैं जीवन की तरफ। तो यह भी, ये देखिए, वस्तु को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है कि ये, क्योंकि एक तो पहली बात तो महिलाओं का दर्जा इस तरह का है कि दूसरे नंबर का दर्जा है, कि अकल कम है, तो इसलिए इन्हें कोई भी तरीके से हमें कंट्रोल करके रखना है। वस्तु तो हमारे प्रयोग में आनी चाहिए कि अब हमारी आबादी बढ़ानी हो, कुछ भी तरह से हमें प्रयोग करना है वस्तु। तो वो जो अंग है जहां से उनकी भावनाएं जागृत होती हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं 6 7 8 साल की बच्ची को ले जाके, जिसे ये सब बातों की जानकारी नहीं। डॉक्टर ये चीजें करते नहीं ऑफिशियली, ऑफिशियली अलाउड नहीं, क्योंकि ये अफेक्ट करता है। तो फिर जो मिडवाइफ्स जी कहते हैं हम, दाइयां होती हैं हमारी, उनको, उनकी पुरानी दाइयां होती हैं, उन लोगों के पास ले जाते हैं बच्ची को, कुछ भी कह के ले जाते हैं। तो मैंने महिलाओं से ये सवाल किया, मैंने एक बार, मुझे तो ये देखिए, मैं बहुत सी महिलाओं को तो मैं ऑफकोर्स जानता ही था, माता जी को घर में, मेरे कानों पे बात पड़ी ही नहीं, मुझे बिल्कुल ही इसकी जानकारी नहीं थी, ये जानकारी मुझे बाहर से लगी। फिर मैंने जब अपने आसपास देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरह का कुछ चल रहा है और मेरे कान पे कोई बात नहीं पड़ रही है। जबकि होता है कि आप अपने मदर से, बहुत सारी अपने कजिन से क्लोज होते हैं, जो आपको ये बात बता सकते हैं, और एटलीस्ट क्रिटिसिज्म जी तो कर सकते हैं कभी कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यस कुछ पढ़े लिखे लोगों को मैंने डिस्कशन करते देखा कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मैं सत्ते में आ गया, मैंने कहा ये बात आप डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने तो ये चीज रोकनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और जो करा रहा है उसे भी नहीं कहना चाहिए। फिर मैं कोई ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्होंने कराया है, एक दो लोगों का। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप ये क्या कर रही, देखिए ये परेशानी। वो कह रहे नहीं, चलते आ रहा है हमेशा से, तो ये तो चलता है कुछ नहीं, बस ऐसा ही, बस थोड़ा सा, जैसा निकाह करते समय थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, है ना, आप निकाह कर लीजिए, कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी है वो। पर उसका उसका मतलब क्या होता है निकाह करने का, कि सामने जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑफिशियली ना, आपको नाम बदल जी जी देंगे। जी सिमिलरली ये FGM, वो कहने लगे कि नहीं छोटी सी बात है। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, देखिए इसके प्रभाव कितने, आपके जीवन में आपका दिमाग बदल जाता है, व्यक्ति चेंज हो जाता है, बहुत सी और मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को बाद में। जी हाँ, तो वो बात ये समझ नहीं पाई। तो ये जो पढ़े लिखे हैं इतने सारे मॉडरेट, जिसलिए मैं सो कॉल्ड मॉडरेट लगाता हूँ, कि मैं भी यस बहुत कुछ वर्ष ये बात में घूमता रहा, मॉडरेट फंडामेंटलिस्ट के चक्कर में, कि नहीं ऐसा है वैसा है, गलत हो सकता है, जी हम गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर ये FGM के इश्यू की वजह से ये बात मुझे बहुत साफ हो गई, और किस तरह से उसका विरोध ना होना पढ़े लिखे समाज में, और जी जो कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है उसका भी विरोध करें आप, कि आप हमारे दखलंदाजी कर रहे हैं हमारे मजहब में, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप उनसे ज्यादा जानते हैं क्या, मुल्लाओं से, आप कौन होते हैं, आप कुरान से ज्यादा जानते हैं क्या। तो जब उनका मोह मैंने देखा, तो मेरा मोह जो इसकी तरफ था,
लोगों की तरफ तक थी, लोगों की वजह से मैं जुड़ा था उसके अंदर, जी तो फिर वो मेरा पूरा जो मोह है, ये भी बहुत एक मेन कारण रहा महिलाओं का, ये जो पूरा जिस तरह से बढ़ता उनकी तरफ है वो कारण।